Yes. आज हम लोग बात करेंगे सेट्स में टू इम्पॉर्टेंस लॉज के बारे में, है ना। उसे हम लोग बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। क्या बोलते हैं? डी मॉर्गन्स लॉ। और डी मॉर्गन्स लॉ का जो यूज है वो जब हम लोग सेट्स का अप्लीकेशन पढ़ेंगे, मतलब वर्ड्स प्रॉब्लम का जब अध्ययन करेंगे, जो कि जेई और एडवांस में पूछता है हमेशा, तो उसमें जो है आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा, है ना। किसी भी थ्योरी को इलेबोरेट करने में, बड़ा करने में इसका काम आता है, राइट। तो हम लोग आज देखते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। राइट डाउन डी मॉर्गन्स लॉ। राइट डाउन डी मॉर्गन्स लॉ। फर्स्ट हम लोग को पढ़ना है ए यूनियन बी डैश इक्वल्स ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, एंड द सेकेंड लॉ इज ए इंटरसेक्शन बी, अगर डैश लिया हुआ है तो इसे लिखेंगे हम लोग ए डैश यूनियन बी डैश। ए टू लॉज हैं डी मॉर्गन्स के द्वारा दिया गया है, डी मॉर्गन्स लॉज। अब इसको हम लोग प्रूफ पहले करते हैं। फर्स्ट ये बताओ दो सेट्स इक्वल कब होते हैं? मैंने बताया था आप लोगों, दो सेट्स इक्वल कब होते हैं बच्चों? जब दोनों ही सेट्स को हम लोग एक दूसरे का क्या दिखा देते हैं? सबसेट, है ना। जब दोनों ही सेट्स को हम लोग एक दूसरे का सबसेट्स दिखा देते हैं तो ये प्रूफ हो जाता है कि दो सेट्स क्या हैं? इक्वल हैं, राइट। अब बताओ कि दो, एक सेट का सारा एलिमेंट दूसरे में होगा और दूसरे सेट का सारा एलिमेंट किस में होगा? पहले में होगा। यही होगा ना, तभी तो दूसरे का सबसेट होंगे ना। तो हम लोग क्या करते हैं यहां पे, सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं एक्स कोई एलिमेंट है, एक्स कोई एलिमेंट है किसका? तो ए यूनियन बी का डैश, है ना। मतलब ए यूनियन बी का डैश का कोई एलिमेंट कौन है? एक्स है। अब बताओ आप लोगों को मैंने क्या बताया था कि अगर कोई एलिमेंट ए डैश में है, इसका मतलब वो एलिमेंट ए में, बताओ अगर कोई एलिमेंट ए डैश में है इसका मतलब वो ए में है या नहीं है? नहीं है। इसका मतलब घर में थ्योरी आप लोग जो आज पढ़ाया है, मैंने जो आप पढ़ के नहीं आए हैं, ए कंप्लीमेंट क्या होता है और ए क्या होता है, ये दोनों के बीच में जानकारियां हम लोगों ने दी थी। तो आपसे मैं पूछ रहा हूं कि अगर कोई एलिमेंट एक्स जो है वो ए डैश में है, इसका मतलब वो ए में है या नहीं है? नहीं है, क्योंकि ए और ए डैश एक दूसरे का धुर विरोधी होता है ना। जितने प्रॉपर्टीज ए का होता है उसका जस्ट अपोजिट प्रॉपर्टी किसका होता है? ए डैश का होता है, राइट। तो यहां पे जब एक्स हमने एलिमेंट लिया ए यूनियन बी डैश का, तो वाई डेफिनेशन आप कह सकते हो कि एक्स एलिमेंट नहीं है ए यूनियन बी का, क्योंकि वो ए यूनियन बी डैश का है ना, तो वो ए यूनियन बी का नहीं है। क्लियर है? अब बताओ अगर एक्स एलिमेंट ए यूनियन बी का नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो एक्स एलिमेंट सेट ए का भी नहीं है, मीन व्हाइल वो एलिमेंट बी का भी नहीं है, क्योंकि किसी एक में भी रहता है तो वो यूनियन में क्या होता है? हो जाता है, आ जाता है। यस और नो? यानी एक्स एलिमेंट अगर नहीं है ए यूनियन बी का, तो
तो यहां से स्पष्ट हो गया कि एक्स एलिमेंट नहीं है ए का एंड एक्स एलिमेंट नहीं है किसका बी का, वो दोनों का नहीं है क्योंकि किसी एक का भी अगर हो जाएगा तो फिर वो यूनियन में आ जाएगा, यस और नो। अब बताओ बच्चों अगर एक्स एलिमेंट नहीं है ए का, एक्स इज नॉट कंटेंड इन ए, इसका मतलब एक्स किस में कंटेंड है, ए डैश में है, तो अगले स्टेप में लिखेंगे हम लोग एक्स बिलोंग्स टू ए डैश एंड एक्स बिलोंग्स टू बी डैश, राइट। अब एक्स जो एलिमेंट ए डैश का है एंड एक्स जो एलिमेंट बी डैश का है, मतलब एक्स जो है वो दोनों ही सेट में है, तो बताओ जो एलिमेंट दोनों सेट में रहता है वो एलिमेंट दोनों के इंटरसेक्शन में रहता है कि नहीं रहता है, रहता है। इसका मतलब स्पष्ट हो गया, झुन्नू आज नहीं आए ना, इसका मतलब हुआ कि एक्स एलिमेंट है ए डैश इंटरसेक्शन किसका, बी डैश का, यस और नो। अब बताओ यहां से आपने एक्स एलिमेंट किसका माना था स्टार्टिंग में, ए यूनियन बी डैश का माना था, लेकिन अब वो एलिमेंट किस में आ गया, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश में आ गया, मतलब इस सेट का जो एलिमेंट है वो इसमें आ गया, इसका मतलब यह सेट उसका क्या हो गया, इक्वल, कैसे, सबसेट ना, देखकर मत बोलो जो होता है वो बोलो, है ना। अगर एक्स एलिमेंट इसका था और वो अब इसमें आ गया, मतलब यह सेट उसका क्या हो गया, सबसेट भी हुआ, है ना। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं ए यूनियन बी का जो डैश है वो सबसेट है ए डैश इंटरसेक्शन क्या, बी डैश का। इसको हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं, आप लोग लिखिए धीरे से, राइट। लेट मी प्रोसीड। अब क्या करते हैं बच्चों, देखिए इसमें हमने एक्स एलिमेंट माना था किसका, ए यूनियन बी का डैश का, अब इसका एलिमेंट कुछ एज्यूम कर लेते हैं और वो एलिमेंट किसमें दिखा देंगे, इसमें, तो ए क्या हो जाएगा इसका सबसेट, तो प्रूफ हो जाएगा कि दोनों क्या है एक दूसरे का सबसेट है, तो इसलिए दोनों सेट क्या हो जाएंगे इक्वल। क्लियर है, बात समझ आ रही है। तो यहां पे हम लोग आगे क्या करेंगे, मान लेंगे वाई एलिमेंट है किसका, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का, ठीक है। तो वाई अगर एलिमेंट है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का, तो ए इंफॉर्मेशन हम लोग को दे रहा है कि y एलिमेंट है a डैश का, मीनवाइल y किसका एलिमेंट है b डैश का, क्योंकि वो दोनों का है सर, तभी तो वो इंटरसेक्शन में है, राइट। अब बताओ कि अगर y एलिमेंट है a डैश का, तो यहां से स्पष्ट हो गया कि y एलिमेंट a का नहीं है, यानी अगले स्टेप में मैं लिख सकता हूं y एलिमेंट नहीं है a डैश का, ए का, यस, वाई एलिमेंट नहीं है किसका, ए का।
एंड वाई एलिमेंट नहीं है किसका, बी का। तो भाई बताओ अगर वाई जो एलिमेंट है वो सेट ए में भी नहीं है और वाई जो एलिमेंट है वो बी में भी नहीं है तो क्या वो यूनियन में कभी होगा? यूनियन में कौन आता है? जो दो में से किसी एक सेट में तो रहता ही रहता है। यस और नो? यस सर। इसका मतलब नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या लिखेंगे, वाई एलिमेंट नहीं है किसका, ए यूनियन बी का, है ना, किसी एक में भी नहीं है। आई बात समझ में? मतलब वो यूनियन में नहीं है। और अब बताओ अगर वाई एलिमेंट यूनियन का नहीं है तो किसका है, यूनियन के डैश का। इसका मतलब हुआ वाई एलिमेंट किसका है, ए यूनियन बी का डैश। तो इससे ए प्रूफ हो जाता है कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी डैश। ए सेकंड मिल गया मेरे को। तो आप देखो फर्स्ट में आ गया था ए यूनियन बी का डैश सबसेट है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का, और इसमें आ गया ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश सबसेट है किसका, ए यूनियन बी का डैश का। तो फ्रॉम वन एंड टू आप क्या कंक्लूड करते हैं, फ्रॉम वन एंड टू आप कंक्लूड करते हैं कि दोनों ही सेट एक दूसरे का क्या है, हाँ सबसेट है, इसलिए दोनों इक्वल है। वेरी गुड। तो ये डी मॉर्गन्स लॉ का जो फर्स्ट लॉ था वो आपने यहां पे प्रूफ कर लिया। लिखिए इसको। ओके आइए सेकेंड लॉज को हम देखते हैं कैसे वो प्रूफ हो पाएगा। सेकेंड क्या हम लोग का है, सेकेंड इज ए इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल ए डैश यूनियन बी डैश। ए इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल लाना है ए डैश यूनियन बी डैश, ए लाना है हम लोग को। तो क्या करना होगा, हम लोग यहां पे सबसे पहले एज्यूम करेंगे एक्स एलिमेंट है ए इंटरसेक्शन बी डैश का, राइट। तो एक्स एलिमेंट अगर है ए इंटरसेक्शन बी डैश का, इसका मतलब क्या इंफॉर्मेशन मिला बताओ कोई, एक्स एलिमेंट नहीं है ए इंटरसेक्शन बी का, है ना, क्योंकि वो एलिमेंट अगर ए डैश का है मतलब वो ए में नहीं है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी में वो नहीं है। अब बताओ अगर एक्स एलिमेंट नहीं है ए इंटरसेक्शन बी का, इसके बाद क्या लिखेंगे? प्रॉब्लम यही है, हम जब बोलेंगे तो आप बोलेंगे हाँ सर समझ में आ रहा है, लेकिन जब तुमसे मैं पूछ रहा हूं तो तुम बता नहीं रहे हो। इसका मतलब समझ में वही आ रहा है जो मैं बोल रहा हूं, तुम अपना कुछ नहीं दे पा रहे हो।
और जब तक तुम अपना क्रिएशन नहीं करोगे यार, तो कैसे तुम कुछ करोगे। मेरा सवाल फिर से है कि अगर एक्स एलिमेंट नहीं है ए इंटरसेक्शन बी का, इसका मतलब एक्स के बारे में क्या लिखोगे अगले स्टेप में? एक्स एलिमेंट नहीं है ए का, और नहीं एंड नहीं, वो ए एंड बी दोनों में नहीं है, इसका मतलब है कि वो किसी एक में नहीं है, किसी एक में भी नहीं रहेगा तो वो दोनों में कॉमन नहीं हो पाएगा। तो यहां पे क्या लगेगा? और या तो ए में नहीं है या बी में नहीं है, किसी एक में भी अगर वो नहीं है तो इंटरसेक्शन में नहीं है। तो अगर इंटरसेक्शन में नहीं है, इसका मतलब या तो वो ए में नहीं है या फिर वो बी में नहीं है, दोनों में नहीं है चलेगा, आए बात समझ में। लेकिन किसी एक में भी अगर नहीं है तो वो इंटरसेक्शन में नहीं है। अब बताओ, अगर एक्स एलिमेंट ए का नहीं है, मतलब ए डैश का है, यस, एक्स एलिमेंट ए डैश का है और एक्स एलिमेंट किसका है? बी डैश का है। तो जब एक्स एलिमेंट ए डैश का है या एक्स एलिमेंट बी डैश का है, इसका मतलब ए डैश और बी डैश के यूनियन में तो आ ही जाएगा ना। यानी इसका मतलब हुआ कि एक्स एलिमेंट है ए डैश यूनियन बी डैश का। तो आपने एलिमेंट माना था ए इंटरसेक्शन बी का डैश का, लेकिन आ गया किस में? ए डैश यूनियन बी डैश में। यानी यहां से हमने अस्पष्टता के साथ आपको दिखाने का प्रयास किया कि ए इंटरसेक्शन बी का डैश सबसेट है ए डैश यूनियन क्या? बी डैश का। एनी प्रॉब्लम? राइट डाउन दिस। ठीक है बालक, बातें समझ में आ रही है अच्छी तरह से? होमवर्क करो, है कि नहीं? होमवर्क जिस दिन करना शुरू कर दिए उस दिन से और निखार आएगा, है ना, एडुकेशन में, तुम्हारे सोच में। चलो फर्दर आगे बढ़ते हैं। अब आप मान लो y एलिमेंट है a डैश यूनियन b डैश का, तो y एलिमेंट है a डैश यूनियन b डैश का, इससे क्या इंफॉर्मेशन मिल गया? y एलिमेंट है a डैश का और y एलिमेंट है b डैश का, किसी एक का तो है तभी वो यूनियन में है, यूनियन में होने के लिए दोनों में होना जरूरी नहीं है, किसी एक में भी अगर है तो वो यूनियन में आ जाता है ना। अब यहां से बताओ, अगर बाई एलिमेंट ए डैश का है बच्चा, मतलब किसका नहीं है? ए का नहीं है, और वाई एलिमेंट बी का नहीं है, तो भाई बाई एलिमेंट ए का भी नहीं है और या बाई एलिमेंट बी का नहीं है, तो क्या कभी इंटरसेक्शन में आएगा? नहीं। इसका मतलब कन्फर्म है कि वाई एलिमेंट नहीं है ए इंटरसेक्शन बी का, और जब बाई ए इंटरसेक्शन बी का नहीं है बच्चा, तो किसका है? बोलो, डैश का। यस,
यानी ए इंटरसेक्शन बी का डैश का हो गया। तो आपने एलिमेंट माना था ए डैश यूनियन बी डैश का, और वो आ गया किसमें, ए इंटरसेक्शन बी का डैश में। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि ए डैश यूनियन बी डैश सबसेट है किसका, ए इंटरसेक्शन बी का डैश का, ए सेकेंड हो गया। तो फर्स्ट और सेकेंड से आप क्या जज कर रहे हैं बताओ, फर्स्ट और सेकेंड से सर मैं यही जज कर रहा हूं कि दोनों ही सेट एक दूसरे का सबसेट है। तो आप क्या कंक्लूड कर रहे हैं, तो सर मैं कंक्लूड कर रहा हूं कि दोनों इक्वल होंगे, है कि नहीं, क्लियर। तो फ्रॉम वन एंड टू वी कैन से डैट ए इंटरसेक्शन बी डैश विल बी इक्वल टू ए डैश यूनियन क्या बी डैश, प्रूव्ड। लिखिए इसको, ये डिमॉर्गन्स लॉ का सेकेंड है ना लॉ था जिसको आपने अभी प्रूफ किया। झुकत रही बबुआ, नींद आवत रही का, नहीं नहीं होता है ना कि 2 बजे का समय ऐसा होता है कि लोग जो है वो दाल भात सब्जी भुजिया दनौरी तिस्यौरी सब खा करके आता है कि नहीं, तो नींद आना स्वाभाविक प्रक्रिया हो जाती है। इसीलिए मैंने पूछ दिया आप लोगों से कि 2 बजे वाला जो स्थिति है सोने वाला है कि नहीं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अब जो है इसी लॉज को हम लोग वेन डायग्राम से देखते हैं, है ना, वेन डायग्राम के थ्रू देखते हैं कि ये सेट्स इक्वल कैसे हो जा रहे हैं, है ना। तो ये मौका है आप लोग को समझने का कि वेन डायग्राम कैसे किसी सेट का दिखाया जाता है ना, और समझने का तो है ही, साथ में पहले आपको ये बताने का है क्योंकि आपको पढ़ा दिया गया वेन डायग्राम क्या होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ही पूछ लूंगा कि इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा वेन डायग्राम में, ठीक है। अगर आप कर पाए तो आप ही बना दोगे इसको। तो लिखिए आप लोग, डिमॉर्गन्स लॉ भाया वेन डायग्राम, नेक्स्ट जो हेडिंग होगा हम लोग का, हाँ, डिमॉर्गन्स लॉ भाया वेन डायग्राम, राइट। वेन डायग्राम के थ्रू हम लोग डिमॉर्गन्स लॉ को डिस्कस करेंगे, यस। तो सनय सनय हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और सेट्स को हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि सेट्स है क्या, है ना, सेट है क्या, कोई भी वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या होता है ना, टाइप्स ऑफ सेट्स क्या होते हैं, और वहां से धीरे धीरे कारमा बढ़ता गया है। और आने वाला जब सेट्स खत्म होगा तब आप स्टार्टिंग से लेकर के एंड जब पॉइंट को पकड़ेंगे तो ये जो सीनरी जो दिखाई देगा कि सेट्स हमने क्या पढ़ा वो एक देखने वाला मतलब कि दृश्य होगा, एक बेहतर सीन होगा। इसलिए अभी आप लोग सीख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, लेकिन जैसे ही खत्म होगा तब वो जो आप देखेंगे कि हमने सेट्स में क्या पढ़ा वो ज्यादा ही आपके लिए है ना
समझने वाला चीज होगा, सोचने वाला चीज होगा, क्लियर, कि सेट है क्या। सारे चीजों को हम लोग अध्ययन करेंगे, जेई से जेई एडवांस तक के क्वेश्चन को एकदम बेसिक से बनाएंगे, एकदम ट्वेल्थ लेवल का, एकदम इलेवेंथ लेवल। आप नहीं, आप बात नहीं समझ रहे हैं। बहुत लोग कहते हैं सर मेरे को आईटी नहीं करना है, मेरे को फोर्स में जाना है, मेरे को वहां जाना है। अरे यार प्लस टू करना है ना, प्लस टू करना है कि नहीं करना है? तो मैं प्लस टू की बात कर रहा हूं, है ना। आप बताओ तुम लोग इलेवेंथ में कैसे आ गए, बेसिक बताओ। तुम लोग इलेवेंथ में कैसे आए, क्योंकि तुम लोग ने टेंथ की पढ़ाई अच्छी से की, है ना। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर गेटिंग द एडमिशन इन इलेवेंथ क्लास इज टेंथ पास। तो आपने टेंथ को पास किया, है ना। इन सिमिलर फैशन आपको बताता हूं कि आपको आईआईटी जेई करने का मिनिमम क्वालिफिकेशन है ट्वेल्थ पास। देखते हो ना फॉर्म में, तो ट्वेल्थ तो पास करना है तुमको यार। मैं नहीं कर रहा हूं आईआईटी में जाओ, मैं कर रहा हूं ट्वेल्थ पास करोगे ना, काम हो गया। जैसे आपने टेंथ पास किया इलेवेंथ में चला गया, ट्वेल्थ पास करोगे चले जाओगे आईआईटी में। अब ट्वेल्थ पास कैसे करते हो, किस मार्क्स मार्क्स के साथ पास करते हो, कितने नंबर से पास करते हो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, है ना। और वो नंबर कैसे आएंगे, जब आपके साथ हम मिल गए हैं और आप पढ़ने में माहिर हैं, ये जग जाहिर है, और एक नारायण सर जब मिल गए हैं, तो दोनों के मिलने से जो है मार्क्स बढ़ेगा। आई बात समझ में? तो बस इतना ही तो सोचना है, बेसिक सोचना है, आगे सब कुछ जो है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्लियर। हम लोग का प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग ए पे सोचते नहीं है, डायरेक्ट जेड सोच लेते हैं। प्रॉब्लम वो सोच करके ही हम अपने डीमोटिवेट हो जाते हैं। हम लोग जहां पे हैं वर्तमान में हैं, तो वर्तमान को सोचें, है ना। डोंट बिलीव इन पास्ट मेमोरीज एंड फ्यूचर ड्रीम्स, डोंट बिलीव इन पास्ट मेमोरीज एंड फ्यूचर ड्रीम्स, ऑलवेज डू प्रेजेंट ड्यूटी। जो वर्तमान कार्य है उसको आप हमेशा कीजिए, ऑटोमेटिकली सारे कार्य हो जाएंगे, राइट। तो हम लोग यहां हेडिंग क्या दिया, डिमॉर्गन्स लॉ वाया क्या वेन डायग्राम, राइट। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं ए यूनियन बी डैश को। चलो ए यूनियन बी डैश को आप लोग वेन डायग्राम में दिखाओ, ये तुम लोग के पास चला गया, बॉल तुम लोग के हाथ में है, ए यूनियन बी डैश को आप रिप्रेजेंट करो। वेरी गुड, बहुत अच्छा। एक चीज ध्यान रखना यार, जो एक रैंक भी लाता है ना, वो हम लोग के बीच में ही बैठा हुआ बच्चा लाता है, इसलिए कभी अपने आप को कमजोर मत समझना, ये बता रहे हैं। कौन कब कहाँ चला जाएगा ना, वो कोई नहीं जानता है। मेहनत से सब कुछ बदला जा सकता है, ये ध्यान रखना। तो ए यूनियन बी डैश बनाए, बहुत लोग अच्छा लगा। ए यूनियन बी डैश मतलब ए यूनियन बी जो होता है उसके बाहर वाले को कलर करना है। ए यूनियन बी डैश का मतलब जो ए यूनियन बी में नहीं है, और ए यूनियन बी हमने आपको बताया था जो ए और बी के इनर एरिया को कलर करके मिलता है, तो उसका डैश कहां मिलेगा, बाहर, हां उसके आउटर एरिया में। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए यूनियन बी डैश। तो चूंकि मैंने वेन डायग्राम आपको बताया था, तो मेरा पूछने का यह तो अधिकार था, मैंने पूछा। कुछ लोग बनाए, कुछ लोग नहीं बनाए। जो नहीं बनाए उन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया है, जो उन्होंने बनाया प्रैक्टिस किया होगा तो बनाया। हमारा काम तो जो है वो कर रहा हूं,
है कि नहीं? सेकंड, ए इंटरसेक्शन बी डैश, वेन डायग्राम में दिखाना है, ए इंटरसेक्शन बी डैश, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। क्या नाम है आपका? है रौनक, रौनक ला दिए यार, तुम भी बना दिए यार, गर्दा कर दिए। प्रतिभा किसी का मोहताज नहीं होता, और जो आलस्य करते हैं उनके सर पे ताज नहीं होता। इसलिए आलस्य को क्या करो, त्यागो। तो ए इंटरसेक्शन बी कौन होता है? आप फिगर में देख पा रहे हो, ए जो पार्ट है वो ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट है, और उसका डैश है मतलब उसके बाहर। तो उसके बाहर आप इतना में ही क्यों घूम रहे हैं? क्या ये बाहर ए नहीं है? तो ए प्रॉब्लम जो है उसको सॉर्ट आउट कीजिए। बहुत लोग जो है केवल सर्कल में ही घूम रहे हैं। सेल्फ स्टडी इज बेटर स्टडी, घर में आप पढ़िए। अगर मैं पढ़ाता हूं 2 घंटे तो घर में पढ़ना पड़ेगा 4 घंटे आपको। तो इसे छोड़कर, क्लियर? क्योंकि वो किसका पार्ट था? इंटरसेक्शन का, तो उसके डैश में उसके बाहर चला गया। अब इसमें जब एक चीज सोचते नहीं हो तुम लोग, सर जो चीज मैं नहीं सॉल्व कर पाता हूं, जो चीजों को मैं नहीं सॉल्व कर पाता हूं, लेकिन जैसे ही आप बताते तो लगता है अरे तो बता देता मैं। इसका मतलब क्या है? आपके नहीं बनाने और बनाने के बीच में एक पतला मात्र धागा है। इसी को फील करना है कि आखिर बताने के बाद कैसे कहते नहीं ये तो आसान था। इसका मतलब कहीं ना कहीं उस पतले धागे को हटाना पड़ेगा हमको, और वो पतला धागा कौन है? सेल्फ स्टडी। आप जो घर यहां पढ़ाते हैं उसको घर में आप ढंग से पढ़ते नहीं है। जिस दिन पढ़ना शुरू कर दिए अपना नाम जो है वो क्लास में जड़ना शुरू कर दिए, आपका नाम क्लास में आना शुरू हो जाएगा, कि वो बार बार बना देता है। बात समझ में आ रही है? चलिए थर्ड नंबर में आ जाइए, ए डैश यूनियन बी डैश, ए डैश यूनियन बी डैश। यस, वेरी गुड। ए डैश यूनियन बी डैश को बताना है। ए डैश यूनियन बी डैश मतलब जो ए डैश में है और जो बी डैश में है, दोनों में नहीं है, ऐसा नहीं है। गौर करो फिर से, है ना, जो ए डैश में है या किस में है? बी डैश में है, तो वो आ जाएगा किस में? यूनियन में। तो गौर कीजिए, सबसे पहले हम लोग फॉर्म करेंगे यूनिवर्सल सेट, सेट ए लेंगे और सेट बी लेंगे।
तो ए डैश यूनियन बी डैश का मतलब क्या हुआ, जो ए डैश में है या बी डैश में है, तो ए डैश में है मतलब ए के बाहर जितना भी है ए डैश में, वेरी सिंपल अप्रोच फॉर यू, जो ए डैश में है मतलब कि ए में नहीं है, तो ए में नहीं है उसको मैं यहां पे आप देख रहे होंगे लाइनिंग से मैं दिखा रहा हूं कि वो ए में नहीं है, है ना, क्लियर है, या वो बी में नहीं है, या वो बी में नहीं है, यूनियन का मतलब वही था ना, ए डैश में है और बी डैश में है मतलब बी में नहीं है, तो वो कैसा दिखाएंगे, बी में नहीं है, तो ये तो बी के बाहर वाला दिखाई दिए हम लोग, फिर से मैं दिखा रहा हूं जो बी में नहीं है, बी में नहीं है, बी में नहीं है, अरे वाह सर समझ में आ गया, बी में नहीं है, राइट, बी में नहीं है तो बी के बाहर, क्लियर है, मतलब केवल इसे छोड़कर, क्लियर है, तो ए डैश में है या क्या है, बी डैश में है, ठीक है, तो वो यूनियन में आ जाता है, क्लियर है, क्लियर है ना, फोर्थ नंबर, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को दिखाना है, जो ए डैश में है एंड बी डैश में है दोनों में है उसको दिखाना है, यस 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 हाँ अच्छा, इस चीज को बनाने के बाद आप सोच नहीं रहे लगता, ऐसे आप जो बना रहे हैं तो ये तो कॉमन वाला चीज होता है, नहीं होता है, नहीं ये तो कॉमन का चीज, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है मतलब जो ए डैश में है एंड बी डैश में है जो दोनों में कॉमन है वो लिखना है, तो ए डैश में कौन सा होता है, जो ए के बाहर है वो ए डैश में है, अब ए के बाहर में ए भी आ जाएगा लेकिन इसको नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि तो जो बी डैश में भी होना चाहिए कॉमन, दोनों में जो कॉमन हो, यानी केवल कौन सा लेंगे, बाहर वाला, ये जो पार्ट है वो किस किस में है बोलो, एडेसेंट बी डैश दोनों में है, लेकिन अगर इसको भी ले लेंगे तो किस में आ जाएगा फिर, वो आ जाएगा ए डैश में, लेकिन यहां लेना है ए डैश में, ए डैश और बी डैश दोनों में जो है वो लेना है केवल, ये फिर तो आ जाएगा ना बी डैश, ये आ जाएगा ए डैश में, इधर लेंगे तो किस में आ जाएगा बी डैश में, तो जो यहां पे आएगा बी डैश में ये आ गया बी डैश में, लेकिन क्या ए डैश में आया, नहीं ना आया, ए वाला पार्ट ए में आ गया और किस में आ गया बी डैश में आ गया, लेकिन यहां क्या बोल रहा है कि ए डैश में रहे एंड बी डैश में रहे, इसलिए यहां पे ए दोनों पार्ट को क्या करेंगे छोड़ देंगे, क्लियर है,
अब आप मेरे को देखकर बताइए, 1, 2, 3 और 4 को देखकर बताइए कौन कौन डायग्राम सेम है। स्पष्ट हो गया ना? तो फ्रॉम वन, इसी को बोलते हैं वेन डायग्राम से डी मॉर्गन्स लॉ को प्रूफ करना, है ना। तो स्पष्ट हो गया फर्स्ट लॉ क्या था, ए यूनियन बी का जो डैश होगा वो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश होगा। और फ्रॉम 2 और 3 से स्पष्ट है कि दोनों फिगर सेम है, इसीलिए ए इंटरसेक्शन बी का डैश जो होगा वो ए डैश यूनियन बी डैश का इक्वल होगा, ठीक है। तो वेन डायग्राम के थ्रू डी मॉर्गन्स लॉ का प्रूफ आपने देखा। आगे बढ़े, सेट्स का कुछ बेसिक और भी प्रॉपर्टीज है, रूल है, उसको मैं आपको लिखवाता हूँ, आप लिख लीजिए जो कॉमन है, आसान चीज है। जैसे ए यूनियन बी इक्वल होता है किसका, बी यूनियन ए का, यस और नो बोलो। ए इंटरसेक्शन बी लो या फिर बी इंटरसेक्शन ए लो, वैल्यू क्या आएगा, सेम। ए यूनियन बी यूनियन सी करो या फिर ए यूनियन बी पहले कर लो फिर सी, एसोसिएटिव लॉ है ना, या फिर ए यूनियन सी यूनियन बी करो, सबका वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। इंटरसेक्शन में भी वही, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है तो इसको हम लोग ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी या फिर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये सब लिख सकते हैं। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है तो लिख सकते हैं हम लोग ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी दिया हुआ है तो लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, लिख सकते हैं। ठीक है, इसको सिंपली हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े।
ठीक है चलो। ए माइनस बी को दिखाओ वेन डायग्राम में, आप लोग ए माइनस बी को वेन डायग्राम में दिखाओ। तो ए माइनस बी हो गया, ए माइनस बी को आपने दिखाया मतलब ए में से उस एलिमेंट को माइनस कर दिया जो बी में है। बताओ यही आया है आप लोग का, यही आया बताइए। यस अब बताइए आप लोग ए इंटरसेक्शन बी डैश रिप्रेजेंट कीजिए, ए इंटरसेक्शन बी डैश, इसका मतलब समझ में आ रहा है किसमें है वो, ए में है एंड बी डैश में है, जो ए में है एंड बी डैश में है दोनों में जो कॉमन है उसको लिखना है। यस किसमें है, जो बी के बाहर है लेकिन ए में है वो कौन है, बी के बाहर भी हो गया और लेकिन ए में है, यही है। क्या प्रूफ कर दिया मैंने, मैंने प्रूफ किया कि ए माइनस बी इक्वल होता है ए इंटरसेक्शन बी डैश का, लिखिए। तो छोटी छोटी चीजें जो कि आपको जो मतलब कि जाननी चाहिए वो आप नहीं जानते हैं, इस कारण से आगे प्रॉब्लम आपसे सॉल्व नहीं हो पाएगा, जबकि सब कुछ बेसिक है, सब जो पढ़ाया हुआ है उसी से निकल रहा है, लेकिन आपको वो चीज निकालने नहीं आता है, दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम एमंग द स्टूडेंट्स। तो ए माइनस बी को हम क्या कह सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी डैश कह सकते हैं, क्लियर है। देखो अब तो आज थ्योरी बहुत सारा हो गया, अब क्या करते हैं कुछ क्वेश्चंस करवाते हैं, है ना, छोटा छोटा क्वेश्चन है ना, ए यूनियन बी निकालना, ए यूनियन बी डैश निकालना, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालना, ताकि आपको जब सॉल्व होगा तो आपको लगेगा क्वेश्चन बनता है ना, क्लियर है। तो बच्चा खुश हो जाएगा, अरे हमसे क्वेश्चन बन रहा है, तो होमवर्क बनाएगा। तो लिखिए प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस, प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस, क्वेश्चन इज लेट ए इक्वल, हाँ लेट ए इक्वल सेट ए बी सी ई एफ, ए बी सी ई एफ बी इक्वल सी डी ई जी एंड सेट सी इक्वल बी सी एफ जी, बी सी एफ जी बी द सबसेट्स ऑफ वी द सबसेट्स ऑफ यू इक्वल ए बी सी डी ई एफ जी एच,
अब क्वेश्चन क्या करा करा, ड्रॉ द वेन डायग्राम, ड्रॉ द वेन डायग्राम, हाँ ड्रॉ द वेन डायग्राम टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सेट्स। टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सेट्स, फर्स्ट में लिखिए, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, सेकेंड ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, थर्ड ए माइनस बी, फोर ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। चलिए दिखाइए इसको, आर यू सिटिंग, क्यों बनाइए नहीं आ रहा है, ए इंटरसेक्शन भी निकालने आपको नहीं आ रहा है, वाह कमाल हो गया। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब बताया गया, जो ए और बी में कॉमन है वो आप देख नहीं पा रहे, इतना कैसे कॉन्फिडेंस आपका लो हो गया। सी दोनों में कॉमन है, ई दोनों में कॉमन है, तो सी और ई कॉमन है, इसको आप बना नहीं पा रहे हैं, इतना लो कॉन्फिडेंस कैसे हो गया। पास्ट कब से आप ज्वाइन किए हैं इलेवेंथ क्लास, यहाँ 2 महीने 3 महीने में इतना लो कैसे कॉन्फिडेंस, इंटरसेक्शन निकालने आपको नहीं कैसे आ रहा, वेन डायग्राम आपको बनाने नहीं आता है, ए इंटरसेक्शन भी कैसे बनाते हैं नहीं आता है, क्या तो फिर जो ए और बी में कॉमन है वो कौन है बताइए, सी और ई कॉमन है तो फिर अंदर लिखेंगे नहीं, जो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ, जो ए और बी में कॉमन है ना, तो इसमें आपको 3 सेट बना देना है। इस तरह से गौर कीजिए, पहले देख लो, यहां पे 3 सेट्स बना दिया हम लोगों ने, ये तीनों ही सेट क्या है, यूनिवर्सल सेट के अंदर है, बोलो यस और नो, बोलो बालक, यूनिवर्सल सेट के अंदर एबीसी आया कि नहीं आया, क्लियर है। तो यहां पे ए बी सी 3 सेट्स जो है वो क्या है, यूनिवर्सल सेट के क्या है, अंदर में है। अब ए इंटरसेक्शन बी मतलब जो ए और बी में कॉमन है, तो वो आपने कौन निकाला, सी ई, क्या निकाला, सी ई। अच्छा ए बताओ, सी और ई जो है वो दोनों किस में आ गया, ए और बी में आ गया, मतलब सी और ई। अब ए देख लेना है कि सी और ई में से कोई एक क्या सी में भी है, गौर कीजिए, तो सी में कौन है, सी, इसका मतलब स्पष्ट है कि ऊपर में हम लोग ई को लिखेंगे और नीचे क्या लिख देंगे, सी, इसका मतलब सी जो है वो सेट सी के अंदर भी आ रहा है, लेकिन ई जो है वो सी से बाहर लिखेंगे, क्योंकि वो ई जो है वो सी में नहीं आ रहा है। लेकिन सी और ई दोनों किस में आ गया, ए और बी दोनों में आया, तो ए आपका हो गया फर्स्ट का रिप्रेजेंटेशन। भाई सेकंड बनाइए, तो पहले इस तरह से सोच लीजिए आप, उसके बाद आप वहां बढ़िए। गायत्री मंत्र लिखा करो अगर दिक्कत है तो, है ना, पॉजिटिव एनर्जी आएगा, नहीं कहना भूल जाओगे, कुछ भी कोई पूछेगा हां हो जाएगा, ए अरे हां हो जाएगा, पॉजिटिव सोचोगे, नहीं शब्द का इस्तेमाल खत्म हो जाएगा धीरे धीरे,
चलो, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, सेकंड, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, जो ए में है या बी इंटरसेक्शन सी में है। ए बी और ए सी, जो ए में है वो तो है ही ए में, और बी इंटरसेक्शन सी जो बी और सी में है। हाँ यस, जो बी इंटरसेक्शन सी में है, ए वाला पार्ट और इधर वाला टोटल। क्योंकि ये ए में है, यही है ना, क्लियर है। अब बताइए कौन कौन सा एलिमेंट आएगा जो ए में है और बी इंटरसेक्शन सी में है। तो ए में तो सारा हो जाएगा, ए बी सी ई एफ, बोलो तो कौन कौन सा आ जाएगा इसमें एलिमेंट जो लिखोगे वो कौन कौन। पहले हम लोग दिखा दिए कौन कौन सा पार्ट आएगा, ठीक है। अब इसमें आपको दिखाना है इसमें कौन कौन सा एलिमेंट आएगा वो बता देना है। फिर से मैं इसको बना देता हूं, रिप्रेजेंटेशन जो मैं किया हूं वही रिफरेंस में लेकर के एलिमेंट को दिखा देना है। ए बी और क्या सी, पहले बताओ बी और सी में कौन कॉमन है, बी और सी में कौन कॉमन है, सी और कोई, जी, सी और जी, तो सी तो यहां पे आ गया, जी यहां पे मिल गया, और बाकी उसमें से लिख लो कौन कौन, ए बी और क्या ई, ठीक है। तो हाँ एफ भी है, हाँ तो एफ, एफ किस में है, सी में है, हाँ सी में है, सी में है एफ। तो सी में एफ है तो एफ को यहां पे लिखो, क्लियर है। तो पार्ट क्या आ गया, या तो वो ए में है या बी इंटरसेक्शन सी में है, तो वो आ गया ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। चलिए आगे बढ़िए, ए माइनस बी में लिखिए, दिमाग की बत्ती जला देगा, बेसिक ठीक रहेगा तो आगे बढ़ जाओगे। ए माइनस बी, ए माइनस बी का मतलब हुआ ए में है लेकिन वो बी में नहीं है, तो कौन कौन सा होगा, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, और कौन सा, एफ हो जाएगा, यही ना, ए बी और क्या एफ, अच्छा ए बी और एफ, तो ए हो गया, बी हो गया और एफ हो गया, और कौन सा, नहीं सी तो है ऑलरेडी बी में, ए पार्ट हो गया, मिल गया, ठीक है ना। अच्छा सी में भी, हाँ तो है तो सी में एफ, हाँ ठीक है, क्लियर है ना। तो वेन डायग्राम में एलिमेंट को कैसे दिखाएंगे, क्लियर। ए माइनस बी में सी दिखाना जरूरी है, क्योंकि ए माइनस बी का मतलब हुआ जो ए में है लेकिन बी में नहीं है, तो एफ तो ऐसा है जो कि बी में नहीं है लेकिन ए में तो है, तो दिखाना जरूरी है ना। तो वैसे ही दिखाना, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी कौन सा आएगा बताओ, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, तो सबसे पहले बताइए बी इंटरसेक्शन सी क्या आ रहा है,
बी इंटरसेक्शन सी में कौन कौन है, जो बी और सी में कॉमन है? सी है और कौन है? जी है ना, तो सी और जी है, तो सी और जी को ए में से माइनस कर दो, तो केवल सी माइनस हो जाएगा, तो ए बी ई एफ को दिखाना है, तो ए बी ई और क्या एफ लिखिए। हाँ, इसलिए दिखाना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन में हमारा कह रहा है कि ए बी सी तीन सेट है जो यू का सबसेट है, मतलब यूनिवर्सल सेट के अंदर तीन सेट को लेना ही लेना है, राइट? और वो तीन सेट कौन कौन है? ए बी और सी है। और चूंकि कुछ ना कुछ एक दूसरे में कॉमन है, इसीलिए मैं इस तरह का ग्राफ यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं। क्लियर है? बोले यस और नो? यस सर। क्वेश्चन जब पूछोगे तो ऑटोमेटिकली फायदा होगा, इसलिए क्वेश्चन पूछा करो। आगे बढ़े? नो सर। ठीक है, लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट ए इक्वल ए बी सी, लेट ए इक्वल ए बी सी, बी इक्वल बी सी डी ई, बी इक्वल बी सी डी ई, C इक्वल सी डी ई एफ, वी द सबसेट्स ऑफ, वी द सबसेट्स ऑफ यू इक्वल ए बी सी डी ई एफ, then verify that first likhiye a dash ka dash is equal to a, isko verify karna hai ki wo equal hai, a union b dash इक्वल ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश थर्ड, ए इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल ए डैश यूनियन बी डैश। चलिए वेरीफाई कीजिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच में अस्कार सिटी है, स्पष्ट दिखता है। पहले ए डैश निकालिए, ए डैश का मतलब क्या हुआ? यू माइनस ए। हम बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बच्चों को पहले छोटी छोटी बातों पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। यू माइनस ए, U माइनस ए का मतलब हो गया उसमें से ए बी सी हट गया, क्या बच गया? डी ई एफ। अब A डैश का भी क्या निकालना है?
डैश, इसका मतलब यू माइनस ए डैश हो गया। जैसे ए का डैश था तो यू माइनस ए हुआ, तो ए डैश का डैश है तो यू माइनस ए डैश हुआ, यू लिखेंगे माइनस ए डैश, जो डी ई एफ आया तो डी एफ हट गया तो क्या बच गया, ए बी सी, ए मिल गया हम लोग को ए डैश का डैश। और अब ए लिखिए तो ए कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है ए बी सी, तो ये सेकेंड हो गया और ये जो आया ए डबल डैश ए फर्स्ट था। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ए डैश का डैश किसके इक्वल आ गया, ए का, ए वेरीफाइड हो गया। वैसे ही वेरीफाई कीजिए सबको, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस दिखाना है। सेकेंड भी बता दूं यहां सॉल्व हो जाएगा। सेकेंड में ए यूनियन बी पहले निकाल लो, ए यूनियन बी क्या हो गया, ए बी सी डी ई, उसके बाद निकालो ए यूनियन बी का डैश, हो गया यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी। इसका मतलब ए बी सी डी ई एफ माइनस ए बी सी डी ई, कौन सा बच गया, केवल एफ। अब निकाल लो ए डैश, तो यू माइनस ए, यू माइनस ए करोगे तो क्या आ जाएगा, डी ई एफ। एक निकाल लो बी डैश, तो यू माइनस बी, U माइनस बी क्या बच जाएगा, A F। अब निकाल लो A डैश इंटरसेक्शन B डैश, तो कॉमन कौन आ रहा है, केवल F कॉमन आ रहा है। तो फ्रॉम टू एंड वन, फ्रॉम वन एंड टू आप कह सकते हो ए यूनियन बी डैश इक्वल है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का, है ना। तो इस तरह से ये सब क्वेश्चन ऐसा है ना जो एकदम इलेवेंथ लेवल का है, मतलब ये सब अगर आप सॉल्व करते हो तो आपको ए डैश निकालना, यू माइनस ए निकालना, ए माइनस बी निकालना, ये सब चीज आएगा। इसी को मैं होमवर्क में देता हूं, आप यही सब नहीं करके आते हैं। जो हार्ड चीज रहता है, जो कॉन्सेप्चुअल चीजें होती है, वो क्लास में तो एक टीचर डिस्कस कर देता है, लेकिन ये मानकर चलता है कि इतनी बड़ी बड़ी बातें अगर की गई है तो जो होमवर्क मिल रहा है, बुक वाला क्वेश्चन जो इजी क्वेश्चन होता है, वो एटलीस्ट हमारे बच्चे करके लाएं और उसको होमवर्क दिया जाता है। तो होपफुली हमें लगता है कि अगले क्लास में आप लोग करके लाएंगे, है ना। अभी जाकर के है ना बुक वगैरह क्या करना है, परचेज कर लेना है। दिन अच्छा ही चल रहा है, अभी छठ का माहौल आ रहा है तो दिन अच्छा ही है, इसलिए बुक खरीदने में कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे बात को, तो आज यहीं पे देते हैं ब्रेक, है ना।
और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सेट्स में जहां तक पढ़ाया गया उसको आप अच्छे से अंजाम देकर लाएंगे, तब तक के लिए देते हैं ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच।